क्या कहते हैं, क्या चीज का, कुछ बत्ता कहते हैं उसको। हाँ। प्रैक्टिकल लाइफ हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक कहीं से दिखा नहीं है वो लोग। न्यू ईयर स्कैम, हमसे मिलने को दिल करता है। मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं। गाना सुन रहे का व्यू चलते हैं, और ये जो रास्ता है काफी डेंजर है, तो थोड़ा यहाँ पे संभाल के चलना पड़ता है। वेलकम बैक अगेन विथ माई न्यू वीडियो। फाइनली आई एम शूटिंग दिस ब्लॉग। एक्चुअली बहुत लंबे टाइम से मैं प्लान कर रहा था वीडियो बनाने का, अब बनाते हैं, लेकिन क्या बताऊँ, बन ही नहीं रहा था, क्या कि हैबिट टूट चुका है। बहुत साल हो गए वीडियो बनाए हुए, और मैं बाद में बताऊँगा क्यों नहीं वीडियो बना रहा था, क्या स्टोरी चल रही, क्या कुछ नहीं। अभी बात करते हैं मतलब इस वीडियो की। कल है न्यू ईयर, आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। तो आखिरी दिन है, तो हम लोग आज प्लान करने वाले कल कहाँ घूमने जाएंगे। बेसिकली लड़कों का प्लान इसी तरह होता है कि एक दिन पहले रात में हम लोग प्लान बनाते हैं, फिर अगले दिन चलते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे एक ढाबा पे, मेरे दोस्त आएंगे एक दो, उन लोगों के साथ प्लान बनाएंगे कल कहाँ चलना है, तब उनके उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय। जा रहे हैं ढाबा पे, रेडियो कर, क्योंकि ठंडा है, काफ़ी मौसम ठंडा है, तो हुडीज पहन के जाना पड़ेगा, टोपी भी लेके चलना पड़ेगा। तो चलते हैं बाइक से, बाइक स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। अभी फिलहाल मैं अपने गैराज में, और आ गए हैं हम लोग प्लान बना के कल कहाँ चलना है। एक्चुअली डिसाइड हो चुका है कल कहाँ चलना है, वो है बिलासी डैम। तो सुबह चलते हैं, 10 बजे निकलेंगे यहाँ से, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फाइनल न्यू ईयर आ चुका है, देख लो कितना कुछ जा रहा है। सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत फॉग है भागलपुर में, बहुत फॉग है। जब कुबेशा ख़त्म होगा, मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तब निकल जाएंगे। चार लोग हम लोग जा रहे हैं, फिर वहाँ से एक दो लोग कैरी करेगा साथ में। सारा पैक वैक कर लिए हैं, फाइनली मैं नहा लिया हूँ, रेडी हो गया हूँ, देख रहे हो, जा रहे हैं कपड़े वपड़े पहनने के लिए। फिर यहाँ से चलेंगे घंटा घर लेने के लिए अपने एक फ्रेंड को, वहाँ से उसको पिक करेंगे, फिर चलेंगे कंटिन्यू करेंगे सबके साथ में। ठीक है, अब रेडी होते हैं। हाँ, तो हम लोग ने पहला स्टॉप लिया यहाँ पे अमरपुर वाले रास्ते में। यहाँ पे स्टॉप कुछ खाने के लिए लिए हुए हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं, ये हमारे सारे दोस्त लोग हैं, शिवराज सिंह, अजय, सुरेश, यहीं पे स्टॉप लिए। और क्या खा रहे हैं बिहार में, छोड़ दिए हैं, क्योंकि लोग राइडर प्रोवाइडर लोग सब है, फुल स्पीड में बीस्ट मोड ऑन करेगा, चले देगा। ब्रेकर है भाई, बहुत ब्रेकर देख रहा भाई, ब्रेकर जहाँ ब्रेकर नहीं है वहां भी ईटा डाल के ब्रेकर बना दिया जाता है। देर पहले जो अपने दोस्त राइडर प्रोवाइडर जो दिखाए थे, लोग बड़ा लंबा लंबा फेंक रहा था कि तुम लोग को ओवरटेक कर देंगे, तो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं, तो वो निशान है, कहीं भी नहीं दिखा रहा। एक बात ही करता है, खाली वीडियो में ही दिखाता है रुके हैं बस 2 मिनट के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं उसका कितना देर में आता है। यहाँ से 2 किलोमीटर बचा हुआ है अमरपुर। अभी तक तो वो लोग राइडर प्रोवाइडर लोग जो बार हम वीडियो में बता रहे हैं, वो लोग अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। वीडियो में दिखाया गया 155 का स्पीड, देखो प्रैक्टिकल लाइफ हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक कहीं से दिखा नहीं है वो लोग 155 का स्पीड में किसी भी एंगल से हम लोग को ओवरटेक करते हुए। और हमारा राइडर प्रोवाइडर ये ब्रो चंडीगढ़ अभी आ गया, ये लोग राइडर प्रोवाइडर जो अपने आप को बोलता है 155 के स्पीड में, जान के स्पीड दिखा रहा है, हम लोग 25 मिनट से रुके हुए हैं। अभी चलिए इन लोगों को एक्सपोज मारते हैं, ये लोग खुद को अपने आप को राइडर प्रोवाइडर करता है। हम लोग कितने मिनट से रुके हैं, 25 मिनट से, और ना ही लोग आ पा रहा है, ना ही कुछ खोज खबर दे पा रहा है, और हम लोग को बोला ओवरटेक कर लेंगे। खाली लोग वीडियो में 155 का स्पीड दिखाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखा दिए, कहीं को खोज खबर नहीं है। लोग को जाके एक्सपोज मारो, चैनल का नाम तो दिखा ही दिए, द बीस्ट मोटो ब्लॉग। चलते हैं, यहाँ से 17 किलोमीटर बचा हुआ है, गूगल मैप दिखा रहा है हम लोग को,
15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का मुड़ना है और वहाँ से फिर बचेगा 7 किलोमीटर। चांद की अभी स्पीड दिखा रहा है। राइडर प्रोवाइडर और ये जो ब्रेकर वाला सिस्टम चल रहा है, चल ही रहा है, लेते जा रहे हैं ब्रेकर का मजा। खड़ा हूँ मैं इसी रास्ते से मुड़ना है और राइडर प्रोवाइडर आगे है, वो लोग दिख चुका है हम लोग को। अब कोई दिक्कत ना, अब इसी रास्ते पे कंटिन्यू चलते रहना हम लोग। खड़ा हूँ मैं कगारों पे, चढ़ा हूँ मैं ग्रामीण इलाका है, हर जगह आपको हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ रोड पे मिलेगा। ओ फक, हम लोग इसको अपना राइडर प्रोवाइडर समझ रहे थे, तो राइडर प्रोवाइडर स्कैम निकला यार, तो है ही नहीं वो लोग। रास्ता तो सही जा रहे हैं ब्रो, गूगल मैप के अकॉर्डिंग। एक्चुअली स्कैम हो गया हम लोग ना, वो लोग जो साथ में बैठा हुआ दोस्त वो ब्लू जैकेट पहना हुआ है और सेम बंदा ये लोग जो आ रहा है अभी पीछे जो है वो लोग भी, उसके पीछे वाला भी ब्लू जैकेट पहना हुआ, हम लोग उसको फॉलो करते करते आ गए। यही ब्लू जैकेट वाला स्कैम। हम लोग रुक चुके हैं, कहा कि अपना राइडर प्रोवाइडर लोग पीछे ही रह गया, हम लोग का इंतजार कर रहा था, हम लोग को लगा कि आगे बढ़ चुके हैं, स्कैम हो गया। आपको दिखाया वीडियो में, रुके हैं, पूरा ग्रामीण इलाका है, अब देखते हैं कितने देर में आता है। बार बार इसका स्पीड टेस्ट हो रहा है इन लोगों का, हम लोग अपने फ्लो में आते जा रहे हैं। देख रहे हो हीरो होंडा 100 की स्पीड पे आ रहा है, हीरो होंडा पता नहीं कहाँ से चलाता है ये लोग 100 की स्पीड पे। हीरो होंडा भी ये अपना ओरिजिनल राइडर प्रोवाइडर आगे बढ़ चुका है, हम लोग भी मिलते हैं। ओए वो देखते उसको बता दिया हमारे साथ क्या स्कैम हुआ, उसको भी वीडियो दिखा दिए। अब यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट अपने लोकेशन पे। जय माता दी। गूगल मैप देखो भाई, उधर से ही मुड़ना था। मैप तो वही बताया, मैप नहीं चलना होता, सैटेलाइट मैप खोल ले। पीछे जाना ना। हाँ पीछे से ही चलना था भाई तुम। हाँ पीछे जो फिर से हम लोग मुड़ रहे हैं, ये लोग स्कैम कर दिया है, दो दो स्कैम कर रहा है, रास्ता स्कैम। राइट ले लीजिए। हाँ वही रास्ता मुड़ना ही था। अब हम लोग सही रास्ते पे निकल गए, लोग राइडर प्रोवाइडर लोग आगे है बढ़ चुका है, लेकिन रास्ता इस बार हम लोग दिखाएंगे। यहीं से मुड़ना था, ये लोग आगे बढ़ गया। अब हम लोग आ गए हैं अपने सही रास्ते पे। जो देखूं ये नजारे तो गुनगुनाता है दिल में। मैं आप देख रहे भाई कहाँ किधर जाना है। चलो ना आगे से वहाँ मुड़ना है। रीसेंटर करो, रीसेंटर है देखो ना यहाँ पे, यहाँ। ठीक है देख रहे हैं, ये नया रास्ता बना हुआ है, बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि रास्ता है कि नहीं है, वही पुराना रोड जर्जर वाला रोड समझ के बहुत लोग नहीं आता है। लेकिन ये रोड काफी महीने पहले ही बन चुका है, 4-5 महीने पहले ही बन चुका है, ये नया रोड है। खाली धूल मिट्टी लग रहा है लेकिन ये नया रोड है। देख रहे हो रास्ते, यहाँ राइडर प्रोवाइडर वाला कोई चीज नहीं चलता, यहाँ पे आपको स्लो लेना है गाड़ी को और स्मूथ वे में ऊपर नीचे करते हैं। देख रहे हो क्या हो गया बे, क्या हो गया, क्या लोकेशन, हम लेके चल रहे हैं लोकेशन, वही ट्रक वाला लोकेशन, पास जाना है उनको, उनका लोकेशन दिखाओ गूगल में। तुमको बार बार कहते हैं सैटेलाइट मोड ऑन मत करो, तुमको सैटेलाइट में और ज्यादा आसानी हो जाता है। बार बार तो दिख रहा है, डैम भी दिख रहा है लेकिन रास्ते नहीं दिख रहे हैं। इधर पीछे के साइड, उधर के साइड है डैम। अब हम लोग सही रास्ते पे आ चुके हैं, यहाँ ने बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ है,
अब आ चुके हैं फाइनली, अब डैम आ चुके हैं। डैम पे बिलास की डैम थोड़ा थोड़ा भीड़ है, ज्यादा भीड़ नहीं है, इतना सब राइडर प्रोवाइडर लोग। किसी के ऊपर जाएंगे, किसी के ऊपर अपना एक क्यूट सा भाई को समुद्र दिखाते हैं, मतलब समुद्र क्या नदी टाइप का जो भी है। दिख नहीं रहा है फॉग के कारण, काफी फॉग है ना। वहां पे नहाने का भी है, नहा रहे लोग। गाना सुन रहे हो, मुस्कुराइए आप बिहार में है, गाना सुन रहे हो। विदाउट कॉपी राइट वाले गाने हैं ये, गाने कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ बिहार में मिलते हैं, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे, सेल्फ मेड गाने होते हैं ये सब। चल भाई चल नीचे, नीचे जा रहे हैं बस, नीचे रास्ता बता रहा है फोन से किधर जाना है। डैम से नीचे उतर के ये उसका घर है, देखते हैं किधर है वो। हम लोग पहुंच चुके हैं सही रास्ते पे, लोकेशन मैंने सही बता दिया, फिर से वापस ही लोग जाना आना। हम लोग जा रहे हैं खेत में, अब दिखाते हैं आपको ओरिजिनल चीज। भैया के साथ जा रहे हैं, फसल पे चल रहे हैं, प्लीज जो भी किसान है इस फसल के गाली मत दे। असली पिकनिक तो खेत में ही होता है। और हमारा डैम उधर है, पहले सेटअप देख लेते हैं क्या है नहीं है। बंदा गाना गाते हुए गाओ गाओ। तुमसे मिलने को दिल करता है, पर बार रास्ता नहीं है, टाइम लगेगा बनाने में। हाँ बनने में, तब तक घूम फिर लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे अभी पहाड़ पे थोड़ा देर में, अभी यहाँ पे बन रहा है चिकन। क्या बा? चिकन बन रहा है, मटन क्या पता, मटन बन रहा है, मटन बन रहा है। तो फुल सेटअप है इनका, दिखाएंगे सेटअप, थोड़ा सा प्राइवेसी भी मेंटेन, क्या पुलिस वुलिस भी है। हम लोग निकल चुके हैं चारों लोग, दोनों पहाड़ कनेक्टेड ना, बीच में खाली डैम है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये देसी चिलम है, सेल्फ मेड बनाया हुआ है, क्या ग्रामीण लोग पिए हैं इसको, बस चिलम ओरिजिनल है ना, मिट्टी का जवाब ये है, पत्ता का चिलम है, पत्ता का। जा रहे अपने पिकनिक वाले स्पॉट पे, घूम फिर लिए थोड़ा, अभी पहाड़ पे चढ़े नहीं है, पहले खा पी लेंगे, क्योंकि खाए नहीं है। हिंदी में क्या कहते हैं, गांव भाषा में क्या कहते हैं, क्या चीज का, पुष्पत्ता कहते हैं उसको। हाँ पिकनिक को पुष्पत्ता, हाँ ग्रामीण इलाका में यही सब बोला जाता है, पिकनिक को पुष्पत्ता। हम लोग जा रहे हैं, पहले खा पी लेंगे तब चलेंगे पहाड़ पे। पहाड़ पे देखो वादियाँ, तो सही लोकेशन पे बैठे हुए हैं, और बैठ के लूडो खेल रहे हैं, और हम लोग का पिकनिक स्पॉट वहाँ पे है, बन रहा है, और यहीं बैठ के खाएंगे सब। अब लूडो खेलते हैं गाइस। नहीं नहीं इसको खींचिए ना, इसको अंदर वाला है। और भाई तुमको इसको भी सजेशन दे देंगे हम, चारों पानी दे देते हैं अच्छे से सीजा हुआ जुगार, पानी पानी। लोग खाना पीना हो गया गाइस, अब चलेंगे डैम पे, और डैम होगा तो मजे करेंगे, होगा तो पहाड़ पे भी चढ़ने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना चढ़ पाते हैं, कितना स्टेमिना हम लोग के बीच बचा हुआ है। स्टेमिना तो बहुत है लेकिन टाइम का कमी है, तो देखते हैं कि पहाड़ पे कितना चढ़ पाते हैं, चलते हैं अब डैम के ऊपर।
हम लोग आ चुके हैं वापस से बिलासी डैम। वादियों का व्यू लीजिए, गाड़ी पार्क कीजिए और घूमिए। सनसेट होने वाला है यहाँ पे। यही है बिलासी डैम, यहाँ पे गजब का व्यू है। मंदिर है छोटा सा, यहाँ पार्किंग वार्किंग है। यही तो व्यू है बिलासी डैम का, यही बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे आप पत्थर के पास बैठ सकते हैं, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ बैठ के। जो सनसेट देखने का जो फीलिंग है पहाड़ के जो चट्टान जो है पहाड़ का, उस पर बैठ के ऐसे व्यू और जो सनसेट, प्यारा सा सनसेट देखने का जो व्यू है, सबसे बेस्ट है। और न्यू ईयर का दिन ऐसा सनसेट देखने मिले ऐसे अच्छे माहौल में, और भी बेस्ट है। अब यहीं पे बैठते हैं, ये रहा सनसेट। यही है बिलासी डैम का डैम, आपको भी दिखाई दिया। उतना कुछ है नहीं वैसे, ये बस व्यू है, इसी के सारे पैसे हैं। चलते हैं, और ये जो रास्ता है काफी डेंजर है, तो थोड़ा यहाँ पे संभाल के चलना पड़ता है। बहुत लेट के बाद उधर ही रह गया था। ए लोग, राइडर प्रोवाइडर लोग सब आ चुका है पहाड़ पे चढ़ने का तैयारी में, लूट जुट चुके हैं हम लोग, ट्रेकिंग पे निकल चुके हैं। पहाड़ पे निकल गए हैं चढ़ने के लिए ट्रेकिंग पे, बहुत ही ऊबर खबर है। गजब का व्यू है, गजब का व्यू है। बस अब छोटा सा ही ऊपर चढ़े हैं, बस नीचे चलना है। हमको लग रहा है नीचे बेहतर रहेगा। चलो चलो चलो, लेट्स गो। बेयर ग्रिल्स को याद करो, एकदम आराम से चलना, आराम से बस चलें। साइड वाला रास्ता ही फिसलन हो रहा है रास्ते में, यहाँ बाइक वाला ब्रेकर भी नहीं लगता। एडी के बल पे रखो। 2 मिनट होल्ड करते हैं गाइस। सब रास्ते उतरने के लिए एरी के पहले एरी रखने होते हैं, फिर पहले एरी। हाँ, बताने वाले ही फिसल रहे हैं थोड़ा। हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं फाइनली। लोग अभी ऊपर ही है, राइडर प्रोवाइडर गेम का लोग मेंबर सब। अब कोई फिसलन वाला रास्ता नहीं है, दो बार फिसल गया यार। यही है व्यू, दूसरा चांस। किसका जीत रहा है पता नहीं, फॉग है ना, पता ही नहीं चल रहा कुछ। चंडीगढ़ गैंग, यो डायरेक्ट इधर गए, हल्का सा भी तो पानी में काफी डेंजरस है। तो आप परहेज ही करना इस रास्ते से, आप पहाड़ पे चढ़ जाना, पहाड़ पर से फिर उधर से नीचे उतरना, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये रास्ता तो नहीं, रिकमेंडेड नहीं है। अब चलते हैं ऊपर पार्किंग की तरफ, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर चलते हैं। तो गाइज हम लोग घूम लिए हैं बिलासी डैम, फाइनली घूम लिए, अब निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। बाद में कभी आएंगे और तो एक्सप्लोर करेंगे इसको, अभी के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चीज़ है कर लें, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट बनता है। देखते हैं, अरे वीडियो आते रहिए कुछ कुछ टाइम पर, तो आप ज़रूर देखते रहें। और यही रहा ओवरऑल बिलासी डैम का एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें लगा, पहली बार आ रहा था कुछ पता नहीं था। थैंक यू देखने के लिए यहाँ तक जो भी देखा, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।